उसमें अब कणक का सीजन खत्म होने पर जा रहा है। शुरू शुरू में जो गेहूं के उठाने के बारे में दिक्कत आई थी, और जब ये उठाने के बारे में दिक्कत आई, जैसे ही सरकारों को सरकार के कानों में ये बात गई, उन्होंने वहाँ पर अपने मंत्रियों का अपने अधिकारियों को भेजा और कहा कि जाइए आप देखिए किसानों को व्यापारियों की किस प्रकार की क्या दिक्कत है। जब वो यहाँ पर आए उससे दो दिन के बाद ऐसा महसूस होने लगा कि हाँ सरकार कहीं ना कहीं एक अच्छे कदम उठा रही है, उठान भी अब उस तरीके से जल्दी हो रहा है। हमारी पिपली मंडी में गेहूँ का सीजन खत्म होने की कगार पर है, उठान में थोड़ी दिक्कत आई जिसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके बाद हमारी पिपली मंडी में आज प्याज आना शुरू हो गया है। पिछले दिनों प्याज तकरीबन इस पिछले दिनों में 8 से और 10 12 रुपए का रेट था, जो कि अब की बार 500 रुपए से लेकर 700 रुपए तक का रेट रह चुका है। इससे ये व्यापारी और किसान चिंतित है कि कहीं का प्याज का रेट कम ना आ जाए। जैसे कि अब की बार हरियाणा सरकार ने, श्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने ये कहा है कि आलू और प्याज का हम रेट निर्धारित करेंगे। आलू का उन्होंने 4 रुपए किया था और प्याज का उन्होंने 500 रुपए क्विंटल किया था। व्यापारी और किसान ये मांग करता है कि ये रेट कम है, 5 रुपए का कोई रेट नहीं होता, 5 रुपए में जिम्मेदार का जो एक किले पर लागत आती है वो पूरा भी नहीं होता। इसलिए किसान और पिपली मंडी के सभी व्यापारी ये चाहते हैं कि इसका रेट कम से कम 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए क्विंटल किया जाए, तो कहीं ना कहीं शायद किसान को 10 रुपए बच सकते हैं।